Welcome to the podcast with Gul Bukhari, and also welcome to Sharae Dastoor with AQS. ये हमारा मुश्तरका गपशप है. दोनों चैनल्स पे आप देखेंगे और देख रहे होंगे इस वक्त. तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. क्यूम साहब, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास. आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ. बहुत आपकी खुशी तो चेहरे से आया है. इतनी खुश तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा. इतनी बड़ी बड़ी आप तस्वीरें अपनी उस पे अपलोड कर रही हैं. अच्छा, मुझे क्या नहीं है? किसको चढ़ा रही है आप? क्या मसला, क्या है? कोई मसला नहीं है. देखें, मेरी तस्वीर मेरी मर्जी. मैंने कौन सी आपकी तस्वीर चलाई है? आप कौन है मुझसे पूछने वाले हैं? आज मुझे सुबह के वक्त किसी और ने कहा कि तुमने भाई मैंने अपनी चलाई है, आपकी तो नहीं चलाई. क्या मसला हो रहा है? मैं असल में, छोटी सी बात है, बात सिर्फ इतनी सी है कि कई बार इंसान ना अपनी एल्बम देख रहा होता है या कोई सामने आ जाती है, वो सज एक्चुअली वो मैं देख नहीं रही थी, वो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है फोन के अंदर, वो चीजें आपको सजेस्ट कर रहा होता है, राइट? तो उस सजेशन में ये तस्वीर भी आ गई, मुझे अच्छी लगी. अच्छा, आप गायब हो गए, क्या हुआ? आपने कैमरा बंद किया है? नहीं, ये तो आई डोंट नो कि समथिंग. चेक करें, चेक करें नीचे कैम कैम को चेक करें. बिल्कुल, इट कैन बी रिजॉल्व, नो डोंट वरी. अच्छा ठीक है, आई एम हियर, रिजॉल्व करें इसको. अच्छा, तो चलें इस दौरान में जो है वो हम ये सेटिंग्स में गए, कैमरा. But how did it happen? I don't know. Something went wrong. So, कोई लिख रहा है कि this happened yesterday as well. किसी ने लिखा है कि मैंने तो कल कोई शो नहीं किया था, तो आपने किया होगा कल कोई शो, तो वो कोई कह रहा है कि ये कल भी हुआ था. जी हाँ, बिल्कुल. अच्छा, एक साहब जिन्होंने लिखा है, रियल मैन साहब, उन्होंने कहा है ग्रेट शो, ग्रेट होस्ट, ग्रेट गेस्ट. तो मैं रियल साहब अभी शो शुरू ही नहीं किया है, तो उससे पहले ये क्या? नहीं, लेकिन दूसरी बात ये है कि इसमें ना कोई होस्ट है ना कोई गेस्ट है, ये को होस्टेड है. को होस्टेड है, या अच्छा, अगला कह रहे हैं मैम, अच्छा, कह रही कैमरा तो यार ये शॉर्ट्स इन लोग कयूम साहब ने ना डिरेल कर दी बिगाड़. तो यहां तो सब कुछ ठीक है, यहां तो सब कुछ ठीक है, फिर क्या करना है? कैरी ऑन करना है या नहीं करना या क्या? नहीं, इसको हो, आप ड्रॉप ही हो गए. अच्छा, नाजरीन से मेरी दरखास्त है कि यू स्टे विद मी. मेरे ख्याल में क्यूम साहब दोबारा ऐड हो जाएंगे, एक मिनट. शायद उन्होंने इसीलिए अपना कनेक्शन तोड़ा है कि वो दोबारा ज्वाइन करें, चेक करते हैं. मैं उनको फोन कर रही हूँ और साथ साथ मैं खाना भी पका रही हूँ. हाँ सिद्दीकी साहब, अच्छा, अब आप री ओके, अब ठीक है, सारा कुछ ठीक है ना, अब सारा कुछ ठीक हो गया. हाँ, ये बहुत अच्छा किया आपने, टाइम पे लीव करके वापस आ गए. अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे कि तस्वीर की बात हो रही थी और आप बता रहे थे कि वो मोबाइल फोन पे आ जाती है ऑटोमेटिक, लेकिन इसके पीछे भी कोई एक राज है. नहीं, इसके पीछे कोई राज नहीं है. अच्छा, आप अपने पहले व्हाट्सएप कॉल तो खत्म करें. कर तो दिए, मैंने तो खत्म कर दिए, मैंने तो बंद कर दिए. हाँ, मैंने बंद कर दिए. इको क्यों आ रही है? आपकी तरफ ऑन होगा कुछ, मेरी तरफ कुछ ऑन नहीं है. नहीं, अच्छा, लोगों ने कहना है ये चंगे नाड़ी लगे ने भाई शुरू. यार आप यार मेरा, मैं आपको बताऊं, मेरा फोन ही बंद है, बंद कर दिया मैंने. ये देखिए, मेरा भी फोन बंद है.
नहीं तो मुझे क्या पता फिर क्या हो रहा है, आपने कोई हरकत तो की है। नहीं मैं कुछ नहीं मुझे देता ज्यादा हूं। इको नहीं आ रहा और लोग बहुत सख्त बोर हो जाएंगे एक यूएस साथ, हमें वी शुड गेट ऑन विद दिस थिंग। चलो ठीक है आ जाए। आपकी बहुत ज्यादा है, ठहरें एक सेकेंड, बहुत एको है, मेरी नहीं आ रही, आपकी बहुत एको आ रही है, मुझे समझने की कोशिश करने दें ताकि वंस एंड फॉर ऑल। यार मेरी तो कोई कॉल एक्टिव नहीं है, सच्ची बात है, आई डोंट हैव एन एक्टिव कॉल। अब देखें अब ठीक हो गया। नहीं अब हो गया। अच्छा यहाँ पे लोगों का मूड बड़ा लाइट है, ठीक है सवाल चेक करें, मैं लगाती जाऊं बड़े हाँ मजे मजे के, बड़े क्यूट, उफ बहुत ज्यादा आ रहे हैं कमेंट्स, पता है सलाम ऑल, चलें छोड़ें सलाम ऑल लगा देते हैं एक दफा। अच्छा उसके बाद है जी फर्स्ट टाइम इन योर प्रोग्राम, ठीक है दिस हैपेंड यस्टरडे एज वेल, ये भी चेक कर लें। बेस्ट प्रोग्राम विद ग्रेट होस्ट एंड ग्रेट माशाल्लाह, वो भी। अच्छा जी अगला है, मैम कैरी ऑन विद योर थॉट्स, वो कह रहे हैं कि एक ही उसको छोड़ें आप अपनी बात करती रहे, वो गायब हो गए तो हो जाने दें। अच्छा अगला है, आजकल तो खुश हैं, भाई मेरी खुशी आपको काटती है, तकलीफ देती है, पूछ रहे हैं आजकल खुश क्यों है, ठीक है। अच्छा अगला ये है, सिर्फ हंस हंस वाली इमोजी। अच्छा अगला है जी लव यू गाइस कीप अप द गुड वर्क, अभी तक हमने वर्क कोई किया नहीं है ठीक है, और वो कह रहे हैं कीप अप द गुड वर्क। अच्छा पिकलेस भी ठीक है, पिक्चर लेस भी ठीक है। हाँ पिक्चर लेस भी ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, तुसी अग्गे चलो सानू सारे आवाज आनी लोग चाहिए। आप। अच्छा क्या ड्रोन अटैक हो गया, अच्छा अच्छा ड्रोन भी गलत लिखा हुआ है। हाँ ड्रावन लिखा हुआ है, आई नो। अच्छा दो सच्चे लोग जिन्हें देखकर और सुनकर दिल खुश होता है, बहुत शुक्रिया, ये हैं जाहिद शरीफ राणा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाउ इट्स योर शो, अच्छा जी क्लिक्स हाँ जी क्लिक्स ने कहा नाउ इट्स योर शो, मुझे नहीं समझ आई ये हम दोनों का है। व्हाट्स कुकिंग मैम, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कीमा मटर चढ़ाया हुआ है ठीक है साइड पे, अच्छा तो ये कीमा जो है वो आप कहाँ से लेके आई हैं, कौन सी बुचर शॉप से लेके? अच्छा क्यों बहुत सारी बुचर की दुकानें हैं ना, एक पिंडी में है, एक इस्लामाबाद में है, एक अपर में। अच्छा आप तो लंदन में है ना? यार, मुझे किसी ने आज ना, मैंने एक ट्वीट की ठीक है, हाँ आज मैंने एक ट्वीट की और मैंने कहा देखो इमरान खान जो कर रहा है ना वो अब पीएम ये नहीं कर रहा, वो सिर्फ ही वांट्स टू अवॉइड प्रिजन बिकॉज ही इज गोइंग टू प्रिजन। अगला मुझे आगे से ये जो बदतमीज लोग हैं ना जो बहस नहीं करना चाहते, वो सिर्फ गालियां देना चाहते हैं, वो सिर्फ फिजूल बातें करना चाहते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि आप किसी तरह से हैरेस या बुली होकर बात करनी बंद कर दें अपनी, आप डर जाएं, ठीक है। जो इन्होंने आसमा शिराजी के साथ कोशिश की, बेनजीर के साथ मतलब ये खवातीन को बहुत हैरेस करते हैं। अच्छा मुझे आगे से कहते हैं ये साहब कि जो देसी है ना वो बैन हो जानी चाहिए, हाय मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि मैं आपको क्या बताऊं यार, करा लो तुम देसी बैन, क्योंकि इंग्लैंड में तो देसी बिकती नहीं है, तुम्हारी मिलती अपनी बैन होगी यार, लाइक दे आर सो स्टूपिड। अच्छा एनीवे मैं जल्दी जल्दी व्हाट्स कुकिंग वाला, फिर उसके बाद क्या है व्हाट आर यू कुकिंग टुडे, वो भी वही कीमा मटर है जी, और उसके बाद गुल बुखारी और अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आप एक साथ शो किया करें, एक्चुअली डिमांड काफी है, बिल्कुल वंस अ वीक आपने कर देखा लेना नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है वंस आपका वीक। आपका जो शो था, जो हमने गुज़िश्ता 2-3-4 शो किए हैं, जी आपने जी उनकी व्यूज देखे, बहुत जबरदस्त, बहुत बूस्ट मिला मुझे। That's nice to know. That's हाँ really nice to know. और अच्छा मजे की बात यह कि अभी फहद हुसैन ने कल परसों कल ट्वीट किया कि हाँ इमरान खान जब से एहतजाज में 7 महीने से गए हैं। हेलो ए चंगा शो है, मैं होस्ट भी चलाने खैर गई होगा थी, मैं सर। साथ साथ मुझे खाना भी बनाना होता है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है अच्छा हाँ बहादुर तो सर
हाँ हाँ, तो फहद हुसैन ने कल ट्वीट की कि जी इमरान खान को 7 माह के अंदर जो उसकी डिमांड में थी उसमें से कुछ भी नहीं मिला। मुतालबा नंबर 1 नहीं मिला, मुतालबा नंबर 2 नहीं मिला, मुतालबा नंबर 3। और ये बात हम कर चुके हैं, हमने जो पहले शो किया था उसके अंदर आपने ही उस कहा शो को था। तो 4 हफ्ते गुजर गए मेरे ख्याल है। हाँ, हमारे उस शो को 4 हफ्ते गुजर गए। तो वो मेरा ख्याल देर आए देर में बातें कुछ मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये होता है, जैसे ट्वीटें चोरी होती हैं उसी तरह एनालिसिस भी चोरी होते हैं। तो खैर है, करने दो हमें तो। आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट व्हेन समबडी टेक्स योर थॉट्स और एनालिसिस और समथिंग एंड प्रेजेंट्स इट एज देयर ओन, बिकॉज दे डू इट बिकॉज दे थिंक इट्स राइट। एग्जैक्टली, ये रिकग्निशन है। अब आप देखें, मैंने अजीम चौधरी साहब के साथ वो सबसे बड़ी स्टोरी की लेकिन सदके जावा। अच्छा जरा मुझे बाकी के भी जल्दी से पढ़ लेने दें बिफोर वी कैन स्टार्ट दी हाँ एक्चुअल शो। रावलपिंडी स्ट्राइक्स, ठीक है, ये मैं स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ। अगला है, कहता है प्लीज कैरी ऑन, डोंट वेस्ट टाइम। हाँ अच्छा, काइंडली क्लैरिफाई अबाउट द अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ अकॉर्डिंग टू सेठी साहब। जनरल बाजवा अग्रीड ऑन साहिर शमशाद एंड गवर्नमेंट वांट्स टू अपॉइंट आसिम मुनीर। ठीक है यार सर, ये आप प्लीज मेरे से सेठी साहब ने जो कहा है उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे से ना मांगे, वो आप सेठी साहब से मांगे। ठीक है। नहीं, वो आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो एक्चुअली नजम सेठी साहब की इंफॉर्मेशन को आपसे तस्दीक या तरदीद करवाना चाह रहे हैं। वो बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है ये, ओके क्योंकि सबसे पहले आसिम जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर आपने अपनी ट्वीट पे लगाई थी, जिसके बाद इमरान खान जो है वो तिलमिला उठे और अच्छा, लेकिन मैंने फिर जाके देखा सिटी साहब का प्रोग्राम ना, तो पहले तो वो नहीं मानते थे। मैंने तो सितंबर 2 को लगाई थी, ठीक है, सितंबर 2 से अब नवंबर व्हाटएवर हो गई है, तो दो बाईस दो महीने से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, लेकिन सेठी साहब अब वहां पहुंचे हैं जो मैंने 2 सितंबर को कहा था। सेठी साहब का साबुन स्लो है। मैं तो ये नहीं कहूंगी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई मीन मैं नहीं उनको पब्लिक में कभी भी नहीं, पब्लिक या प्राइवेट जो भी, मैंने नहीं क्रिटिसाइज करना। मेरा एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है, पर मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगी सर। हर चीज की एक टाइमिंग होती है ना गुल, आपने वक्त से पहले जो है वो कर दी। देखिए, जिस टाइम मैंने किया था उस टाइम हुआ ये था कि इमरान खान, क्योंकि इमरान खान और दीगर दुनिया ये समझती है इरोनियसली फॉल्सली कि मैं कोई नॉन लीग की इंसान, यहां तक के जब वकास गुराया मेरे से शर्त हारा एक्सटेंशन वाली, तो कहता है कि मैं हार गया तो कौन सी बड़ी बात है, आप तो नॉन लीग की इंसाइडर है। उसने मेरे पे इल्जाम लगा दिया। अच्छा हाँ, ओ बहन, बात ये बताओ, नवाज अगर नहीं, नंबर टू, नवाज शरीफ ने किसी को बताना होगा तो मुझे बताएंगे, मुझे बताएंगे जो ट्विटर की भोंपू है, मुझे बताएंगे। नहीं यार, तो ये इशू हुआ है, ये इशू बिल्कुल हुआ है। मैंने तो गुल, आपको एक बात बताऊं, जब मैं लंदन में था और आप भी थी, तो एक ऑडियो लीक हुई थी। आप बात करते जाइए, मैं जरा हांडी देख लूं। हाँ जी, अच्छा, हाँ तो जी, हाँ ऑडियो लिंक देखो, जब हम एक शो तैयार कर रहे थे और एक ऑडियो लीक हुई थी, या ऑडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बहुत ज्यादा चली थी, हाँ और कहा यह जा रहा था कि ये जनरल एहसान की आवाज है, लेकिन उसकी जो है वो साथ साथ तर्दीद दे भी हो रही थी। फिर हाँ वो जो नहीं है, वो एक मेजर साहब है जो भाग के लंदन पहुंच गए, क्या नाम है उनका, आदिल आदिल राजा, राजा, क्या नाम है उनका, आदिल राजा,
आदिल राजा, याद है ना? हाँ। तो फिर हाँ वो जो है, और उन्होंने वो अपने व्लॉग के अंदर वो चलाई पूरी की पूरी टेप, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि जनाब इमरान खान तकरीबन आ गया तो 1 लाख लोग लेके आएगा, मुख्तलिफ सिनारियोस थे, नहीं नहीं फिर एक सेकंड, श्रीलंका क्या बंद चलाया रहेगा। गया था? सॉरी, क्या चलाया गया था? सॉरी, उसमें वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हाँ ये कह के चलाया जा रहा था कि ये जनरल एहसान की आवाज है, जनरल एहसान हाँ वो जो एक्स यस, डीजीआई, और फिर वो नाउ आई रिमेम्बर, यस दैट डिड हमने हैपन, उस पर प्रोग्राम तैयार किया था, जी किया और था। हम अभी तैयारी के अंदर थे। जो हम खदशात जाहिर कर रहे थे कि श्रीलंका बनाने वाली बात, श्रीलंका ना हो, टर्की का मॉडल, अच्छा टर्की का नहीं हो सकता है, फिर ये इमरान खान यहाँ इट आ वुड हैव जाएगा बीन तो एन फिर अमेजिंग शो, इट श्रीलंका वुड का हैव मॉडल बीन, हो जाएगा, हाँ, है ना, कि यस, फिर लोग जो है वो इतनी बड़ी तादाद में आ जाएंगे कि जज जो है ना वो भी अदालत छोड़ के चले जाएंगे, और बिल्डिंग्स में कब्जे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, फिर श्रीलंका वाली सूरत हाल हो जाएगा। तो उसका पोस्टमार्टम करना बाकी रह गया था, क्योंकि उसके बाद हुआ ये कि उसी दिन वजीराबाद वाला वाकया हो गया कि इमरान खान साहब पे फायरिंग हो गई। माइक के पास स्पीकर रखा हुआ है, ये कह रहे हैं। अच्छा अब बताएं, अच्छा जी अब ठीक है, आप आ रही है आपको आवाज? देखें, गड़बड़ आप ही की तरफ से थी ना, वो भी आपके एक नाजिर ने आइडेंटिफाई की। हाँ मैं भूल गई थी शोकेस करना कमेंट्स को, अब मैं दोबारा शुरू किया जी, क्योंकि हर एक का हक बनता है कि उनकी आवाज पहुंचाई जाए, जो देख रहे हैं, जो हमारी रिस्पेक्ट करें, हम उनका भी करें। क्या लिफाफा, टोकरा, डॉलर पूछ ना, चलें इनकी आवाज भी दिखानी जरूरी है जी, कैरी ऑन। हाँ, तो ये फिर ऑडियो में कोई इश्यू आ गया है। एनीवेज बहरहाल अब ये जैसा भी है इसी तरह से बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये इको क्यों आ रहा है? सिर्फ अच्छा आपको आ अच्छा रहे हैं, आपको पता है ना? अच्छा तो फिर वो जो है उसके अंदर एक था बड़ा सिनारियो खींचा गया था कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद आएंगे, आ गए तो जो है अगर 1 लाख लोग भी इकट्ठे हो गए तो फिर दो काम होंगे। वही वही साबुन वाली स्टोरी नहीं, कि अगर यार, उन्होंने इस आदमी बोल दिया ने साबुन, एट द पीक ऑफ अगर अगर हिज अदालत पॉपुलैरिटी नहा अभी दी तो एक ठीक है, लाख बंदा साबुन बनाया तो क्यों दो काम होंगे। उन्होंने कहा लड़का नहाएगा या लड़की नहाएगी? उन्होंने कहा अगर लड़का नहाएगा तो ठीक है, और अगर लड़की ना आएगी तो मुझे बड़ी शर्म आएगी। तो वो हर चीज के दो सिनारियो बता रहे थे कि वो श्रीलंका होगा, ये नहीं हुआ तो फिर टर्की टर्किश मॉडल होगा। तो ये सारी सूरत हाल थी। और अब जो है वो समरी और लॉन्ग मार्च तकरीबन एक ही तारीखों पे पिंडी पहुंच रहा है। गुल हाँ, जी, मैं इधर ही हूं, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल है। अच्छा जी, ये क्या लिखा है, इसको पढ़ आप सकते हैं दोनों को पीटीआई वाले बद्दुआएं देते हैं। भाई? जान लें, जब बद्दुआओं का मतलब की स्टेज आ जाए, इसका मतलब है आप हार चुके हैं, या बद्दुआ के बगैर कुछ मतलब कर नहीं सकते। ये क्या है, गुल बुखारी साहिबा समथिंग, शुक्रिया। वो आपने इनका जायद शरीफ साहब का कमेंट पढ़ा था ना, तो उसका शुक्रिया अदा करें। अच्छा, और ये आई थिंक इट हैपेंड बिकॉज ऑफ सेम बैड, इन्हीं बदमाशों का नतीजा है यार। अच्छा, अब हम मतलब 15 मिनट गुजर चुके हैं, हम टॉपिक पे नहीं आए। तो मैं तो इशारों इशारों में आपको टॉपिक पे लेके आ रहा हूं, चले, आपका लाए कीमा और मटर जो है लाए वो भी लाए बन लाए, जा मेरा कीमा मटर पक रहा है ना। रहा है। अच्छा लॉन्ग मार्च का क्या बनने जा रहा है? कुल बताएं आप, आपका और विजडम लॉन्ग क्या मार्च है? का, जैसे आपने, मैंने आपसे पूछा था कि हम इसका टाइटल क्या रखें, आपने कहा ड्रॉप सीन रखो, ठीक है, उसका ड्रॉप सीन होने जा रहा है, आपने बिल्कुल सही फरमाया था, ठीक है, उसका क्रेडिट मैं नहीं लेती, लेकिन मेरी अपनी थिंकिंग भी वही है, ड्रॉप सीन हो चुका है।
देखिए बात ये कि जो शिकस्ता पा लो, मेरे पास कुछ अंदर की खबर है, अंदर की खबर ये कि अच्छा, ये अंदर की फवाद खबर आई कौन से क्वार्टर से है? पीटीआई के क्वार्टर से आई है या? पीटीआई, अच्छा, वो ये है कि जो फवाद है उसने कहा है कि वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, वो सारी गेम हार चुके हैं और उनको पता है कि वो हार चुके हैं। ठीक, अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी चीफ कौन लगाएगा, उन्होंने कहा नवाज शरीफ लगाएगा। चीफ लगने के बाद क्या होगा, हमारी ऐसी तैसी होगी। अच्छा, और फिर आप मार्च क्यों कर रहे हैं, हम रेलेवेंट रहने के लिए कर रहे हैं, हम कुछ हदफ नहीं अचीव कर सकते, हम सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए कर रहे हैं। मोटी मोटी बातें यही हैं, एक आधी बात और थी जो मुझे भूल गई है, बट पीटीआई के अंदर कंप्लीट इदराक है दैट वी हैव फेल्ड। अच्छा, हाँ ये भी कहा कि हम वो प्रेशर नहीं गैदर कर सके जिससे हम डिसीजन मेकिंग पे असर अंदाज हो पाते, ये भी कहा। ठीक, इस तरह की उन्होंने बातें की हैं कि ना हम असर अंदाज हो पाए, ना हम अपना कोई हदफ अचीव कर पाए, तो वो इस वक्त शिकस्ता पा हैं, लेकिन वो सिर्फ तहरीक या लॉन्ग मार्च या जो भी है वो इसलिए चला रहे हैं कि चलो यार कुछ ना कुछ तो हम लाइक कोई प्रेशर टैक्टिक्स को कोई कोई 20% हमको सीरियस सीरियस ले ले, क्योंकि अगर हम 0 पे चले गए तो हम मारे जाएंगे। क्या सीरियस ले? कभी कहते हैं कि साजिश हुई, कभी कहते हैं साजिश नहीं हुई, फिर कहते हैं कि इन्होंने मीर जाफर मीर सादक बैरूनी साजिश में किया, फिर यार कहते हैं कि अच्छा अगर नहीं था तो रोक तो सकते थे। मतलब उनका कौन सा बयानिया, किस तरफ वो खड़े हैं? कहीं पे भी नहीं। कोई ऊपर नहीं, से घड़ी ने एक बजा दिया, अब वो शाजीब खान। गेम इज गेम सेट मैच, आपको पता है ना टेनिस की टर्मिनोलॉजी, गेम सेट मैच, पहले आप गेम जीतते हैं, फिर आप सेट जीतते हैं, फिर आप मैच जीतते हैं। यहां गेम सेट मैच हो चुका है, इट्स ओवर, बेसिकली इट्स ओवर, वेरी सैड। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी इमरान खान मेकिंग स्टेटमेंट्स कि नहीं मैं तो यूं नहीं, मैं तो वो नहीं, मैं तो ये भी नहीं करूं। मतलब आप इमरान खान की टोन चेक करें कि कितनी चेंज हुई है। आरिफ अलवी साहब ने हैज बीन एट पेन्स टू काइंड ऑफ यार मुझे आई एम सॉरी आई बी बैक इन, मतलब मैं बात करती रहूंगी। आरिफ अलवी साहब ने जो बात की है वो क्या है कि मैं नहीं बनूंगा हर्डल, मैं कोई रुकावट नहीं बनूंगा, मेरे पास कोई आईनी हक नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, मैं पढ़े बगैर समरी को, सुने मेरी बात सुने, मैं समरी को पढ़े बगैर नोटिफाई करूंगा। अब बताएं दहशत का लेवल, बताएं हाय है हाय लेवल, हाय। बताएं सर, चेक करें ना। नहीं, वो तो जाहिर है, अब क्या करें। वो अब आरिफ अलवी साहब ने बाकी ईमानदार मुद्दत के लिए सदर नहीं रहना। नहीं, इशू सदर रहने का नहीं है, मैं आपको बताती हूँ इशू इनका क्या है। अच्छा, सर इनका इशू सदर रहना नहीं है, अगर इन्होंने इस तरह की कोई हरकत की तो इनके साथ जो होगी वो तो सदर तो नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो इनके साथ होगी ये उससे घबरा के इन्होंने वॉक बैक किया। यू डू नॉट ब्लॉक द नेक्स्ट आर्मी चीफ, यू नो व्हाई, बिकॉज यू कांट ब्लॉक हिम।
he will become army chief, right? And once he becomes army chief, आपके पास वो बदले लेने की कोशिश ना भी करे, वो आपको बचाएगा नहीं, वो आपके लिए जाके साकिब निसारों निसारों को या बंदियालों को या इसको उसको ब्लैकमेल नहीं करेगा, राइट? जिसके साथ आपने खबासत की होगी, ही इज नॉट गोइंग टू गो आउट एंड लाइक बैट फॉर यू एंड 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 ट्राई टू ब्लैकमेल पीपल फॉर यू, राइट? एंड यू आर गोइंग टू बी ऑन योर ओन. एंड यू नो दिस मैन हैज नेवर बीन ऑन हिज ओन. सही. ये ऑन हिज ओन नहीं लड़ सकता, इसलिए इसलिए ये पीछे भागा है. ठीक है, तो अच्छा ये ड्रॉप सीन कैसे हो रहा है? मतलब जाहिर है एक बात तो तय है कि इनकी जो भी डिमांड्स थी उनमें से कोई एक भी पूरी नहीं हुई है. अब सिर्फ यही है कि पिंडी इस्लामाबाद की सैर हो जाए. ड्रॉप सीन मेरा ख्याल है यही होगा कि पता नहीं कि वहां ये खुद भी शायद जाएं या ना जाएं. मुझे बहुत शक है कि ये खुद नहीं जाएंगे. ये अगलों को चे बना रहे हैं कि तुम जाओ, खुद इन्होंने कोई नहीं जाना जूना. ये इंतहाई डरपोक आदमी है. आप देखें ना किस तरह से ये दीवारें ऊंची करा रहे हैं, किस तरह से ये बुलेट प्रूफ ग्लास लगा. ही इज पैरानॉइड, राइट? इनकी हिम्मत नहीं पड़नी वहां जाने की, सच बता रही हूं आपको. और इनका खेल हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. अच्छा, और जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो इनको रेलेवेंस देने के लिए या फेस सेविंग देने के लिए या कुछ देने के लिए नहीं तैयार, और ना उनको अब कोई मजबूर कर सकता है कि यार मेरे निक्के को दे दो ना फेस सेविंग. ये क्या, ये उस्ताद अब्दुल्ला भुट्टो का आपने क्या आप पढ़े? मैं तो एमए पढ़े बगैर लगा रही हूँ, जो जो आ रहा है मैं लगा रही हूँ. ये इस पे लिखा है, जरा इस पर बात करें कि कुछ मालूमात हैं कि नून लीग के बरतानिया के इतलात सेक्रेटरी ने दावा किया कि नवाज शरीफ ने इमरान को कत्ल करने के लिए मुझसे शूटर मांगा था. ये उस्ताद अब्दुल्ला भुट्टो साहब हैं. मैंने तो कहीं नहीं सुनी इस तरह की कोई भी खबर. मैंने सुनी एआरवाई ने चलाई, और ये ना इस किसी को भी इस बंदे का नाम पता है ना कुछ है. चलिए तो चलिए, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ का इतना दिमाग. देखें नवाज शरीफ मेरी बात सुने, नवाज शरीफ जो है वो you know what, he could be a criminal, right? But he's not stupid, right? Yara Qayyum sahab, maine farz kijiye, farz kar lijiye ki maine kisi ko qatl karne ki mansooba banaya, main jaake kisi chutiye ko bataungi ki ji ye maine qatl karne ka mansooba. यार खुदा के लिए, जब तुम स्टोरियां गढ़ते हो तो तुम क्या गढ़ते हो? मतलब नवाज शरीफ पहले एक प्लान बनाएंगे. अच्छा जी, वो प्लान बनाएंगे इमरान को कत्ल करने का. इमरान इज नॉट वर्दी ऑफ मर्डर, ही इज नॉट वर्दी ऑफ मर्डर, ही इज नॉट इम्पोर्टेंट इनफ, राइट? अच्छा, पहले नवाज शरीफ साहब उसको मर्डर, यार वो पोलिटिकली ही इज अ ड्वार्फ. Nobody needs to murder him. People need to murder Liaquat Ali Khan, apna Bhutto saab, apna Benazir sahiba. Yaar, ye kaun hai ki isko koi murder karne chal pade? Pehle mujhe koi ye to bataye. Banda kya hai? Ye woh azm hai jo Wizarat-e-Uzma mein rehte hue ghadiyon ka karobar karta hai. Yaar, ye banda hai ki isko koi murder kare? अच्छा, और जो मर्डर करने जा रहा है वो एक ऐसे बंदे को बता रहा है जो जाके टीवी पर अनाउंस कर रहा है. यार दिमाग चलिए, मतलब इतनी बेकार स्टुपिडिटी, ये इतनी रोजाना एक नई थेरी चलाते हैं, वो रोजाना पिट जाती है, ये रोजाना नई बात करते हैं.
यार कुछ नहीं ऐसा होने जा रहा। ये ले अगला कमेंट। कुछ बात तो करें, बोल के लबास है। वाह माशाल्लाह। तो हम बोल रहे हैं ना, ना जब हमारे लब आजाद नहीं भी थे हम तब भी बोलते थे। जब हमें अकूबत खानों में डाला जाता था हम तब भी बोलते थे। फिकर नॉट, हम बोलते रहेंगे। अच्छा ये वाला पढ़ के बताएं, इसमें क्या है? वाह माशाल्लाह। कुछ नहीं कुछ नहीं। अगला आप माशाल्लाह बहुत अच्छा। ठीक है अगला। अल्लाह ब्लेस बोथ ऑफ यू। ऑफ जो है वो ओ डबल एफ वाला है। यार बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं सिद्दीकी साहब। उफ तोबा 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 तो यार ये तो हजारों में है, मैं तो नहीं इनको डिस्प्ले कर सकती कि मैं आपसे बात करूं या मैं इनको डिस्प्ले करूं। आप इनको डिस्प्ले करें, ये सिर्फ अब आगे हम कमेंट्स ही पढ़ते हैं बस। मैं आपसे कहती हूं अब आप ऐसे करें कि यू टेक ओवर और आप एनालिसिस करें, मैं इनके कमेंट्स अब करती हूं। ठीक है आप शुरू हो जाएं। क्या होने जा रहा है? होने ये जा रहा है कि आर्मी चीफ की बहुत स्मूथ, नए आर्मी चीफ की जो है वो अपॉइंटमेंट होने जा रही है, सारी चीजें तय हो गई हैं। और हाँ बस एक खबर है कि इतलात के शोबे से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत जो है उनका कोई बहुत बड़ा घर जो है वो बन रहा है कहीं बेल्जियम में। नहीं नहीं बेल्जियम में, यही डीएचए वगैरह के अंदर कहीं। और तो चीफ कौन बन रहा है? अब मेरा ख्याल है कि जो आपने पहले दिन आग लगाई थी उस आग, वो आग तो अब जो है ना पूरे जंगल को लपेट में ले चुकी है, मुझे तो ये लगता है। बाकी आगे जाहिर है देखेंगे, फैसला करने वाला मैं तो नहीं। नहीं मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी बात करूं करूं करें करें देखें फैसला कोई ट्विस्ट आ गया, कोई ट्विस्ट आ गया। फैसला किसी का है और सिग्नेचर किसी का है। ठीक है फैसला बड़े भाई का है लेकिन सिग्नेचर छोटे भाई का इस्तेमाल होना है। छोटा भाई किसी भी वक्त धोखा दे सकता है, दे सकता है। सीधी बात करूंगी आज, चाहे वो मुझे गालां कड़े जो मर्जी करे, वो वैसे गालां कड़े रहने दे। वो पता है उनकी जो जो वो मेरी बदखोइयां करते हैं और जिन लोगों को वो डांटते हैं वो सब मुझे पता है, सब पता है वो करते हैं। But he is, listen to me, he is the weak link. He could buckle under the pressure. He could. Because he lacks two things. One thing that he lacks is courage. And the second thing he lacks is vision. Third problem is he's compromised. Therefore, he may possibly create a problem. ठीक है? सही। वो बड़े भाई को भी बिट्रे कर सकता है, उसने अपनी जान भी बचानी है, वो वैसे भी कोई विजनरी आदमी नहीं है, कोई खास कुछ नहीं है, कोई ना उसकी स्पाइन है ना कुछ है। वो गंद मार सकता है, वो चांस है कि वो गंद मारे।
नहीं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन बींग ए प्राइम मिनिस्टर उनके पास होगी, वो इंफॉर्मेशन तो मियाज नवाज शरीफ साहब के पास तो नहीं होगी। यार इंफॉर्मेशन की बात नहीं है, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, राइट? बात इंफॉर्मेशन की नहीं है यार। ये आदमी आज, एक सेकंड मुझे दीजिए, ये आदमी जो आज प्राइम मिनिस्टर बना है, ये इट इज एट द प्लेजर ऑफ नवाज शरीफ। ये बन सकता था? नहीं बन सकता था। क्या इसके पास, मुझे बताइए, क्या इसके पास वोट थे प्राइम मिनिस्टर बनने के? नहीं थे, ठीक है? सही। इसको भाई ने बनाया ना, नहीं और फिर मोरालिटी या वट एवर ये डिक्टेट करती है कि ये भाई के ऑर्डर फॉलो करे। जिस भाई का वोट है, जिस भाई की पार्टी है, जिस भाई की पॉपुलैरिटी है, ही नीड्स टू डू दैट, डजंट ही? अगर ये नहीं करेगा तो देखी जाएगी क्या होता है, फायदा कोई नहीं होना। वैसे मैम आपको ये बात बताऊं कि आसिम हो, अजहर हो, साहिर हो, कोई भी इनमें से जनरल साहब हो, फर्क जनाब उमर, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने इमरान का तौक लेके गले में नहीं चलना, इट डजेंट मैटर। आई थिंक इट्स बीइंग ओवर ड्रामेटाइज्ड अ लिटिल बिट। यस, देर आर सम थिंग्स दैट डू मेक अ डिफरेंस। देखें, मुझे बाकी दो के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अच्छा चले, आज ये बात नहीं करती, छोड़, आज नहीं करनी चाहिए, बंद लेने दें। हम ही चीफ किसी को बाद में करेंगे, ये आज खतरनाक हो जाएगी। चले, अच्छी बात। मेरा ख्याल अब काफी टाइम हो गया। जी बहुत टाइम हो गया, बंद करते हैं, ठीक है? आपका कीमा मटर पका है कि नहीं पका? मेरा कीमा तो देचकी में ही नहीं गया अभी तक, छोड़े परे उसको। और मैंने अपना अच्छा। कीमा नहीं बनाना। अच्छा, उसके बाद जो है ये, इसको आप खत्म कीजिए ट्रांसमिशन को, फिर ये जो इको वाला जो ग्लिच है इसको सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए मैं बंद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन का देखने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने और एक्यू साहब ने आज एक काविश की है कि हम मे बी, आई डोंट नो इफ एक्यू साहब स्टेज ऑन इट और नॉट स्टेज, बट लाइक वी डू अ पार्टनरशिप एंड डू समथिंग वंस अ वीक टुगेदर। आई थिंक इट वुड बी नाइस, इट वुड बी फन, आई थिंक अच्छी बात है। लेकिन हमें इजाजत दीजिए आज रात के प्रोग्राम के बाद, और आपके देखने का और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू एक्यूएस। थैंक यू।